यूपी में जिन्ना के नाम की राजनीति शुरू होकर अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरने का भाजपा एक मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप अखिलेश का वो बयान सुनिए जिस पर ये सारा मसला फैला। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री करा दी, लेकिन क्या इससे उन्हें कोई फायदा होगा? सुनिए इस मुद्दे पर ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड के चेयरमैन मौलाना याकूब बुलंदशहरी ने क्या कहा। अखिलेश जी ने, देखिए इलेक्शन का माहौल है, अखिलेश जी ने जिन्ना साहब का जिक्र करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने तरफ करने की कोशिश की है, जबकि अखिलेश जी को यह मालूम होना चाहिए कि जिन्ना साहब हिंदुस्तानी मुसलमानों के रहनुमा और आइडियल नहीं हैं। ये अलग बात है कि जब वतन अजीज हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, तो सारे मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर कंधे से कंधा लगाकर मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें जहां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे और दूसरे हज़रत पटेल जी थे, भगत सिंह जी थे और दूसरे हज़रात थे, वहाँ जिन्ना भी थे। बदकिस्मती से ये मुल्क जो है वो आज़ादी के वक्त में तकसीम हो गया, पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, तो पाकिस्तान वालों की विरासत उनके हिस्से में पाकिस्तान चली गई, हिंदुस्तान वालों की विरासत हिंदुस्तान रह गई। अब हमारे रहनुमा और हमारे कायद और हमारे आइडियल जिन्ना साहब या पाकिस्तान के रहनुमा नहीं हैं, हमारे आइडियल तो हिंदुस्तान को जो मुजाहिदीन आज़ादी है वो हमारे आइडियल हैं, अब उनका जिक्र करना चाहिए। ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए जिससे माहौल में तकसीम हो। चुनाव नज़दीक आ रहा, शायद इस बात को ले देखते कहा, उनकी सोच है उन्होंने कहा है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान तो पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा कायद को अपना रहनुमा नहीं मानते, वो तो हिंदुस्तानी कायदीन को अपना रहनुमा मानते हैं। ये तो साफ है कि जिन्ना की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं चुनावी बहस ध्रुवीकरण की ओर जाएगी, लेकिन इस बयान का लाभ किसे मिलता है और किसका दांव उल्टा पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, यूपी तक।